मुगल वंश का तीसरा बादशाह अकबर। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, क्योंकि यह पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ था। अमरकोट राणा बीर साल का राज्य था। गंगा के किनारे चौसा के युद्ध में हारने के बाद कन्नौज में भी हारा और सिंध में मीर बाबा हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचा। उनकी पुत्री हमीदा से विवाह किया और कुछ समय बाद अमरकोट में शरण मांगी। वहीं अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं ईरान तहमास की सहायता से राज्य हासिल करने को जा रहा था कि खबर मिली अस्करी 2000 सवारों के साथ आ रहा है। हमीदा को साथ लेकर हुमायूं भागा। अस्करी ने भतीजे को उठा लिया, क्योंकि वह अकबर को वहीं छोड़ गया था, और कंधार ले गया। वहां अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम थी, दूध माता जीजी अनगा नियुक्त हुई। यह अनगा उसी शमसुद्दीन की पत्नी थी जिसने कन्नौज के युद्ध में डूबने से बचाया था। महामनगा दूसरी दूध माता थी। प्रथा अनुसार चार वर्ष चार महीने चार दिन के बाद उसका शिक्षण आरंभ हुआ। मुल्ला अयामुद्दीन इब्राहिम शिक्षक बने, फिर काम न बनने पर मुल्ला बायजीद बने। अभी भी कोई फर्क न होने से अब्दुल कादिर उसके शिक्षक बने। काबुल में अकबर कबूतरबाजी ही करता रहा। भारत में मुल्ला पीर मोहम्मद को काम सौंपा। अकबर अनपढ़ ही रह गया, पर उसकी स्मरण शक्ति अच्छी थी। 1551 में गजनी का सूबेदार 9 वर्ष में बन गया। हिंदुस्तान जीतने के बाद अब मुनीम खां को संरक्षक बनाया गया। उसने सिकंदर सूर से जब सरहिंद छीना तो हुमायूं ने युवराज बना दिया। दिल्ली पर कब्जे के बाद अकबर लाहौर का सूबेदार बना और यहीं से मुनीम खां की जगह बैरम खां संरक्षक बना। हुमायूं की मृत्यु का समाचार पाकर बैरम खां ने गुरदासपुर के पास कलानौर में फरवरी 1556 को राज्याभिषेक कर दिया। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से बादशाह बना। वह 13 वर्ष का था। इस समय बंगाल में पठान, राजस्थान में राजपूत, मालवा में मांडू का सुल्तान और गुजरात में बादशाह, साथ ही गोंडवाना में रानी दुर्गावती थी। दक्षिण में विजयनगर, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, उत्तर में कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान अलग अलग राज्य थे। आदिलसूर ने चुनार को राजधानी बनाया और हेमू को सेनापति। हेमू रेवाड़ी का वैश्य नमक बेचने वाला था। उसे तौल करने वाले की ही नौकरी मिली, फिर योग्यता अनुसार पहले गुप्त दरबारी, इस्लाम शाह के बाद में आदिल शाह के समय प्रधानमंत्री बन गया। हेमू ने 24 लड़ाइयां लड़ी, 22 में सफलता मिली। हेमू आगरा ग्वालियर पर कब्जा करता हुआ 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद पहुंचा। यहां तरदी बेग को परास्त कर दिल्ली जीती। यहीं उसने स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि के साथ शासक बना लिया। अकबर आदि के मन में वापस काबुल का विचार आया, पर बैरम ने युद्ध के लिए तैयार किया। दोनों पानीपत पहुंचे। हेमू की आंख में तीर से वह बेहोश हो गया। तभी अकबर ने उसका सर काट लिया और उसे काबुल भेज दिया, लटकाने के लिए काबुल भेज दिया, और युद्ध जीत चुका था। 1556 में ग्वालियर जौनपुर जीते, पर रणथंभौर व मालवा ना जीत सका। इसी साल के अंत में सरहिंद आया। फिर 1557 में मानकोट, रामकोट जो जम्मू में है, पहाड़ी किले में सिकंदर का आत्मसमर्पण करवाया। उसे बिहार के जिले जागीर में दे दिए, जहां वह 2 साल में मर गया। काबुल से शाही बेगमें मानकोट पहुंची। उनके स्वागत में लाहौर होते हुए जालंधर जब पहुंचा तो बैरम खान ने हुमायूं की भांजी सलीमा से विवाह किया, पर 1561 में बैरम की हत्या हो गई और सलीमा अकबर की हो गई। अब अकबर 1558 में आगरा पहुंचा, उसे अकबराबाद नाम दिया और किला बनवाया। 1562 में अजमेर की रास्ते में देवसा जयपुर के राजा बिहारी मल ने वही बड़ी लड़की की शादी अकबर से कर दी। बिहारी मल के बड़े लड़के भगवान दास के कोई लड़का न होने से भतीजे मानसिंह को गोद ले रखा था। इसी कछवाहा राजकुमारी को मरियम जमानी नाम दिया गया। महामनगा अपनी बेटी व संबंधियों के बल पर बैरम खां को रास्ते से हटाने में सफल हुई। सजात सहजावल खां मांडुका सलीम शाह सूर का सूबेदार था, फिर स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद 1556 में उसका लड़का बाज बहादुर मालवा की गद्दी पर बैठा। इसी साल अकबर भी गद्दी पर बैठा था। बाज बहादुर सुल्तान बायजीद क्रूर था। उसने अपना छोटा भाई व अफसर मारे थे। वह अपनी दरबारी गणिका के प्रेम में पागल था। 1560 में महामनगा के पुत्र अहमद खां के अधीनता में मालवा पर आक्रमण हुआ। सारंगपुर में 1561 में बाज बहादुर मारा गया।
मालवा का खजाने से अहमद खान ने अकबर को थोड़ा सा भिजवाकर और पीर मोहम्मद के साथ मालवा में मारकाट शुरू कर दी। बाज बहादुर ने गणिका रूपमती को भी रख लिया, जो बाज बहादुर के हार जाने पर उसके अफसरों द्वारा बाज बहादुर के मारने के ऐलान के कारण मारी गई पर बच गई। अकबर को यह पता चला तो वह मालवा आया और अहमद खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब अकबर ने रूपमती गणिका के बारे में कहा तब तक महामानगा उन्हें जहर देकर मरवा चुकी थी। बैरम के मरने में उसकी शादी और उसका शिया होना मुख्य कारण बना। बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र में हमीदा बानु, महामानगा, अहमद खां और उसका संबंधी और दिल्ली का हाकिम शहाबुद्दीन शामिल थे। अकबर को कहा गया बैरम कामरा मिर्जा लड़के को अद्दी पर बैठाना चाहता है। अकबर ने बैरम को हज भेज दिया। रास्ते में गुजरात में मुबारक खान लोहानी ने बैरम को मार डाला। उस समय बैरम का बेटा अब्दुल रहीम खान ने खाना 4 साल का था। अकबर ने उसे और बैरम के बेगमों को बुलवा लिया, गुलबदन से स्वयं विवाह कर लिया। 1562 में अकबर ने शमशुद्दीन को मंत्री बनाने से नाराज अदहम ने जब उस पर वार किया तभी वह गिर पड़ा, और जब अकबर आया तो उस पर भी वार करने का प्रयास किया तो अकबर ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। बाद में महल से नीचे फेंक दिया गया। 40 दिन में महामानगा भी मर गई और कुतुब मीनार के पास दोनों का मकबरा बना दिया गया। 1562 में दास प्रथा बंद करवाई। महामानगा के समय की सरकार पर्दा शासन कहलाता था, इसे हरम दल कहा जाता था। 1563 में तीर्थ कर बंद करवाया। 1564 में जजिया बंद करवाया। 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। 1583 में इलाही संबल शुरू करवाई। लड़कों की आयु 16 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष आयु निर्धारित की गई। 1665 में धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगा दी गई। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। 1578 में उसमें सभी धर्मों के प्रवेश की छूट कर दी गई। 1579 में मजहर की घोषणा की गई। 1582 दीन ए इलाही की घोषणा, जिसे केवल बीरबल ने ही अपनाया। 1582 में सूर्य पूजा व अग्नि पूजा का प्रचलन कर दिया। विजय अभियान 1559 में पानीपत के युद्ध में ग्वालियर पर। 1560 में सेनापति जैमल ने जौनपुर। 1561 में आसफ खान ने चुनार का किला कब्जाया। 1561 में ही मालवा। 1562 में बाज बहादुर ने पुनः मालवा पर कब्जा किया तो अब्दुल्ला खान से हटवाया और उसे दरबार में 2000 मनसब दे दिया। 1564 में आसफ खान सेनापति ने रानी दुर्गावती व अल्पायु पुत्र मारकर गोंडवाना जीते। दुर्गावती चंदेल राजकुमारी थी महोबा की। वैवाहिक संबंध से कुछ राजपूत समर्पण कर चुके थे। बचे हुए को 1562 में मेड़ता मेवाड़ के राजा उदय सिंह का सामंत जैमल का राज्य जीता। 1567 में चित्तौड़ का किले में जैमल व फत्ता उदय सिंह के सेनापति को मारकर 3000 अन्य राजपूतों का कत्ल किले में करवाया। बाद में उसने इन दोनों की मूर्तियां आगरा किले के दरवाजे पर लगवाई। 1568 में मेवाड़ की राजधानी व चित्तौड़ के किले जीतने पर वहां की महामाता मंदिर से झाड़फानूस आगरा ले गया। 1569 में हाड़ा राजपूत सुरजन राय से रणथंभौर जीता, फिर कालिंजर रामचंद्र से छीना। 1570 मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर क्रमशः रामचंद्र, कल्याणमन और रावल हर राय से जीता। बाद में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, मेवाड़ का कुछ हिस्सा स्वतंत्र रह गया। 1572 में गुजरात मुजफ्फर खान से छीना और मिर्जा अजीज कोका को गवर्नर बनाया, पर लौटते ही विद्रोह हो गया। बाद में सबसे तेज आक्रमण कर उसे कुचल दिया। इसे शहाबुद्दीन आलम को दिया। यही पहली बार समुद्र देखा और पुर्तगाली भी। इसके बाद करोड़ी नाम का अधिकारी उत्तर भारत में रखा गया, जो 1 करोड़ वसूलता था। कानून को जांच के लिए रखे गए। 1580 में दहसाला नाम की प्रणाली चलाई, जो स्थानीय कीमत और व्यापार पर लागू की गई थी। सुलेमान कर्रानी तक अकबर को अधीन कर बंगाल बिहार भी अधीन कर लिए, पर उसके बेटे के दाऊद के स्वतंत्र होने पर 1574 में स्वयं गया और दायित्व मुनम खां को सौंप दिया। दाऊद भाग गया, उसे बंगाल की स्वर्ण रेखा नदी के पास तुकराई में 1575 में हराया। उदय सिंह के बाद मेवाड़ में महाराणा प्रताप राजा बना। मेवाड़ को पूरा कब्जा कराने के लिए 1576 में आमेर का मानसिंह और आसफ खां भेजा। हल्दीघाटी अरावली के मैदान में युद्ध हुआ। राणा को भागकर जान बचानी पड़ी, पर उसके नायक झाला के राणा की जगह जान देनी पड़ी।
1597 में राणा की मौत के बाद अमर सिंह उत्तराधिकारी बना। 1599 में फिर युद्ध हुआ और फिर भी मेवाड़ अकबर का ना हुआ, जबकि अमर सिंह हार गया था। मिर्जा हकीम अकबर का सौतेला भाई काबुल में शासक था, उसने पंजाब पर हमला किया। 1581 में मुगल सेना की सुनकर वापस काबुल चला गया। अकबर ने पहले मिर्जा की बहन बख्तुन्नेसा को फिर मानसिंह को काबुल की सूबेदारी दी। महारानी एलिजाबेथ का दूत फतेहपुर सीकरी में 1586 में आया। मजहर की घोषणा के बाद धार्मिक मामलों में भी उसने अपना फैसला सर्वोच्च बना लिया। उसे इमाम आदिल कहा गया। दीन इलाही का पुरोहित अबुल फजल था। इसकी दीक्षा के लिए अपनी पगड़ी राजा के चरणों में रखी जाती थी और राजा पुनः अल्लाह हो अकबर खुद ही पगड़ी पहनाता था। जीवित रहते श्राद्ध कराना होता था और मांस खाने पर रोक थी। अकबर के तस्वीर खाने में पहली किताब तोतीनामा थी और बाद में बनी हमजानामा। यह मोहम्मद के चाचा के जीवन पर अमीर हमजा के ऊपर थी। यह सूती कपड़े पर चित्रित थी और 15 साल में बनी थी। जरीन कलम किताब कैलीग्राफी के माहिर मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। अंबरी कलम किताब अब्दुल रहीम को दी। फारसी अनुवाद में कई किताबें करवाई। रजमनामा बदायूनी का महाभारत फारसी अनुवाद था। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी। 1601 में खान देश में असीरगढ़ में मीरन बहादुर के खिलाफ अंतिम युद्ध अकबर ने लड़ा था। 1595-96 के युद्ध में समझौता हुआ बरार मुल्कों का और अहमदनगर की चांद बीवी का। बाद में बरार पुनः कब्जे की चाहत में 1600 में युद्ध के बाद अहमदनगर दौलताबाद दोनों मुगलों के हुए और चांद बीवी ने आत्महत्या कर ली। असीरगढ़ वहां के सैनिकों को पैसे बांटकर जीता था, असीरगढ़ का किला। अब अकबर दक्षिण का भी सम्राट था। बीजापुर व गोलकुंडा अकबर नहीं जीत सका। अकबर के समय विद्रोहों में उज्बेगों का विद्रोह, मिर्जा का विद्रोह, उज्बेगों का 1564 में, 1573 में मिर्जा का, बंगाल और बिहार का विद्रोह 1580 में, यूसुफ जाइयों का विद्रोह 1585 में, इसी में बीरबल मर गया था, शहजादा सलीम का विद्रोह 1599 से 1603 तक चला, जिसके बाद उसे माफ कर दिया गया था। अबुल फजल की हत्या और जहांगीर के निर्देश पर 1602 में हुई थी। अकबर ने विट्ठल नाथ को गोकुल, सिख गुरु रामदास को 500 बीघा अमृतसर की जमीन, बाद में यही स्वर्ण मंदिर बना। नवरत्न में बीरबल 1528 से 1586 जीवन काल का। इसके बचपन का नाम महेश था। यह कालपी का ब्राह्मण था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी बना। अबुल फजल 1550 से 1602 तक रहा, मुख्य सलाहकार नियुक्त हुआ। चुडरमल सिरसा का नौकर बना और 1562 में अकबर के पास, 1582 में प्रधानमंत्री बना। अशरफ के पद पर भूमि सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। तानसेन ग्वालियर का था, बाद में मुसलमान बना। इसे अकबर ने कंठ भरण बाणी बिलास कहा। इसने ध्रुपद का विकास किया। मानसिंह आमेर के भानमल का पौत्र था। इससे संबंध होने पर जजिया समाप्त कर दिया। अब्दुल रहीम तुर्की में लिखे बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किया। जहांगीर का गुरु यही बना था। गुजरात जीतने पर खानखाना की उपाधि मिली थी। मुल्ला दुदु प्याजा अरब का था, हुमायूं के समय भारत आया था। हकीम हुमाम रसोई घर का प्रधान था। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई राजकवि था। दीन इलाही का कट्टर समर्थक था। कुछ समय आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाई थी। पहली बार जजिया द्वितीय खलीफा उमर ने गैर मुस्लिमों पर हैसियत के मुताबिक 48, 24 और 12 दरहम सालाना लगाया था। यह केवल बालिगों से लेता था। औरंगजेब ने इसके 115 वर्ष बाद राजा जसवंत सिंह के मरने पर के बाद 1679 में लगाया। शाही आज्ञा से गौबध की सजा इस समय मृत्यु हुआ करती थी। हरिविजय श्वेतांबर जैन को जगत गुरु कहा। ग्वालियर व बटेश्वर आगरा जैन केंद्र बने। लाहौर आगरा में चर्च बनाने की अनुमति भी दी गई। इसके अंतिम समय तक मानसिंह, बीरबल, रहीम, टुडरमल, छोटा पुत्र मुराद, शहजादा दयानियाल सभी मर चुके थे।